नहीं उड़ तो का था अभी हवा भरा था होना चाहिए माई जाना मजाना मा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बात है, कमाल की चीज़ है, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है, मैं बता दूं। अभी फ़िलहाल सुबह के 4 बज गए हैं और हम और रवि सर और देखते हैं किन्हीं का फ़ोन लगेगा, तो चलते हैं कोयल नदी और वहाँ का ये ब्लॉग दिखाने जा रहे हैं। यानी कि आपको मैं बता दूँ छठ महापर्व का आज पारण होगा, तो आइए चलते हैं। जैकेट लेंगे, ठंड का मौसम है और हमारे अभी अर्पण और घर के फैमिली अभी निंद्रासन में है, सोए हुए हैं। इसके बाद लोगों को उठाएंगे और निकलते हैं नदी की ओर। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। कहाँ भुला के लो बसंत भैया, ठीक है बनाया था लो यहाँ बनाया था, ठीक है तुम बना लिया। कहाँ रहा सुनो प्रभु, अरे हमू कैसे जाए जूता दोस्तों। देख पा रहे होंगे अभी फिलहाल हम उपस्थित हैं कोयल नदी के समीप और ये कोयल नदी में ही ये छठ का ये आज पारण हुआ और ये सुबह का अर्घ पड़ रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे बहुत इसे छठ जो महापर्व का ये प्रवेदन किए हुए हैं, आप इधर भी देख सकते हैं। तो ये देखिए जो बताया बोला कि चलो पहले नहीं खाला जाता है। ये देख पा रहे हैं सोनू ब्लॉगर का ये छठ घाट पे हम लोग आए हुए थे और ये पूरे फैमिली के साथ होम जाप हो रहा है, ये देख सकते हैं। गामी लेके चला ला हो सुना चाहिए माई जाना मजाना मा देला ना भागा हमान आओ तारी या ठाकुरा भैया कर जोरिए या वाला न सुना न बारा मान भैया जुगा बर जीतला दान सुना न पर सदा काका जुगावा जीता गैल हे हर कर चारो को नवा सुपाला हो जलई डलावान सुना छठी मैया फुलका पड़ गहन
से सावरल आता थारी लोटा बासन से सावरल पीतल पाखे चला तू दे दिया मैया हो माता जी किरीना छाठा की गेले किरीना भूगिए गेले जल्दी जल्दी सावरो चठी मैया डाला दौरे हो चठी माई तू। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप अभी हमें देख पा रहे होंगे, हम अभी उपस्थित हैं छठ घाट पे कोयल नदी में और यहाँ पे एक हमारे दीदी हैं। आपका नाम दीदी? हाँ, हमारा कमेश्री जमेश्री दोनों बहन ही आई कमेश्री लोग बहन है राभा। हाँ, और विपत्ति तो मार के। हाँ, चलिए, ये तो जिंदगी का परंपरा है, आना जाना सभी के साथ लगा है। कोई यहाँ सरियो के नाम से है और के नाम से आपका घर रंगैनिया और ये छठ घाट पे आए हुए थे हमने यहाँ पर रिश्तेदार। हाँ, भाई बात कैसे नहीं आई। हाँ, तो भाई किए हुए हैं। हाँ, भाई के नाम मुनेश्वर आले बा। मुनेश्वर सिंह। हाँ, हाँ। तो ये लॉ एलके ब्लॉगर के मैंने फुआ हुए। हाँ, फुआ हुए और बहुत तरह के इनके पास देवी गीत। हाँ, हाँ, चाहे छठ गीत हो चाहे शादी विवाह का। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे धुन इनके पास है, गाते हैं। हाँ, और चलिए, इनका इतना छठी मैया के साथ श्रद्धा है, लगाव है। हाँ, और सबको होना चाहिए हिंदू रीति रिवाज के तहत उन्हें ये मैंने भगवान के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। चलिए, आप हमारे चैनल पे एक छठी माँ का भजन गीत सुनाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ देख पा रहे हैं जो अभी सब प्रसाद जो वितरण हो रहा है, तो सभी प्रसाद लेने के लिए निकले हुए हैं। और हमारे विजय जी हैं, कुछ छठ पूजा से रिलेटेड हमारे ब्लॉग पर दो चार शब्द रखें, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं। देखिए, सनातन धर्म के लिए हमारा छठ पर्व जो है ये बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको अरे बहुत अच्छा है जी, बस यही तो बात। और ये पर्व कार्तिक मास का कार्तिक मास में मनाया जाता है। हाँ, और हाँ। ये पर्व मुख्य रूप से 3 दिवसीय पर्व माना जाता है। नहाना खाना छुटकी अम्बर की अल्पारण, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं और कोयल नदी में उपस्थित हैं। और अभी फिलहाल ये भी प्रसाद लेंगे और ये रिवाज ही कहा जाए कि क्योंकि पूजा होता है तो प्रसाद मांग के लेना चाहिए। जी जी जी। तो चाचा इधर मामा कल स्कूल आप लोग खुला है। और ये देखिए ब्याज जी भगाई कसते हुए जो कि आज पूजा पाठ रहता है, इधर चाची जी के माध्यम से प्रसाद वितरण हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, आपको क्या ठंडा लग रहा है? नहीं, गर्मी लग रहा है। कैसा लग रहा है? गर्मी लग रहा है। मैंने कैसा लग रहा है देख नंबर तो ऐसे आवाज लग रहा है जी दो नंबर। अब यहाँ का बात जो होगा से टाइम मैंने उन्होंने ये देखिए मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है। एक रंग दे दीजिएगा बच्चा, इसमें दे दीजिए, इसमें हो गया जी। हाँ, तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग कोयल नदी से निकल गए घर की ओर और हमारे पीछे उदय सर, रवि सर और पीछे परवैतीन लोग हैं, अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी ब्लॉग अगर आप सब को अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।